सत्यमेव जयते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं, अब उनकी काली परतें खुलने लगी। जांच एजेंसी ने उन्हें सम्मन करके बुलाया। शराब नीति घोटाले में जितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसके निमित्त आज माननीय न्यायालय ने भी मनीष सिसोदिया की बेल खारिज कर दी। और जो टिप्पणी वहां से आई है कि 338 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, वो बहुत गंभीर विषय है। अब अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को बताना पड़ेगा कि शराब नीति में बदलाव क्यों किए गए, 5% से 12% कमीशन क्यों की गई, 7% का किकबैक किसे मिला, और जो इतने करोड़ों का घोटाला है वो पैसे कहां खर्च हुए। साथियों, अभी हम सब ने बुराई पे अच्छाई का विजय का प्रतीक इशारा मनाया है। आज दिल्ली वालों का संघर्ष भी रंग लाया है जब मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट हुई और साथ ही साथ जांच एजेंसी द्वारा भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल को सम्मन भी दिया गया है।